आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आप भटकिएगा नहीं, बस वीडियो पे बने रहिएगा कि टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, कितने प्रकार के पेरेंट होते हैं, यानी माता पिता कितने प्रकार के होते हैं, पेरेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, पेरेंट्स तो हर किसी को प्यारे होते हैं, तो पेरेंट्स के बारे में जानना भी प्यारा लगना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका कंसंट्रेशन मेरी तरफ कंसंट्रेट अभी तक ना हो पाया हो तो मैं एक शेर सुना देता हूँ। माँ की बात आई है कि मैं अपने आप को जन्नत में पाता हूँ दोस्तों। मुनव्वर राना साहब का शेर है ये कि मैं अपने आप को जन्नत में पाता हूँ दोस्तों, जब अपने माँ के पाँव दबाता हूँ दोस्तों, जब अपने माँ के पाँव दबाता हूँ दोस्तों। अगर आप खुश नसीब हैं, आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो उनकी खिदमत, उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार का इजहार हमेशा करते रहो और उनकी खिदमत, उनकी देखरेख अच्छे से दिल से करते रहो मेरे दोस्तों। इससे बड़ी बात दुनिया में कुछ नहीं है। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि नेचुरल पेरेंट्स क्या होते हैं, मतलब ये टाइप है। देख लो, अब तक आप यही जानते होंगे कि पेरेंट्स होते हैं, माँ होती है, बाप होते हैं, लेकिन देखो यार, पेरेंट्स इतने प्रकार के होते हैं। अब ये साइंस का ज़माना आ गया है, हर चीज़ में प्रकार, हर चीज़ में टाइप्स, फिर क्या झमाला बना देते हैं यार साइंस वाले ना। ये देखो, नेचुरल पेरेंट्स क्या होते हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे दोस्तों। नेचुरल पेरेंट्स देख कर आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स में और फोस्टर पेरेंट्स, तो आप हंसते हंसते क्या बताएं, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। मैंने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल ही ला कर रख दिया है कि आप सोच नहीं पाएंगे। देखो, नेचुरल पेरेंट्स क्या होता है। नेचुरल पेरेंट्स में देखिए, पेरेंट्स कोई तभी बनेगा जब उसकी कोई औलाद होगी, कोई बच्चा होगा, कोई चाइल्ड होगा, कोई बेबी होगा। तो देखिए, अमूमन ज़्यादातर हमेशा क्या होता है, एक फीमेल होती है, एक मेल होता है। देखिए, नेचुरल पेरेंट्स वही होता है जो अपने बच्चे को, मतलब किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करे और ये माने कि ये मेरा बच्चा है और उसका देख रेख, उसका लालन पालन करे, वही होता है नेचुरल पेरेंट्स। अब देखो, नेचुरल पेरेंट्स मैं आपको समझाता कैसे हूँ। देखो, एक माँ है, एक मदर है, एक फादर है। इस फादर से क्या रिलीज होता है, स्पर्म। मेल से स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल से ओबम। अब ये ओबम और स्पर्म मिल के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट कैसे बनता है, ये मेल और फीमेल इंटरकोर्स के दौरान, मतलब इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो मेल होगा वो स्पर्म रिलीज करेगा और ये फीमेल जो होगी ओबम रिलीज करेगी। स्पर्म कहाँ से इजैकुलेट होगा, मेल से, और ओबम फीमेल से। एक ही पॉइंट याद करना, मेल से स्पर्म, फीमेल से। अब ये स्पर्म रेस लगाएगा और फैलोपियन ट्यूब में इस अंडे की तलाश में जाएगा। मैं कभी और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। जाने के बाद वो अंडे को फ्यूज कर देगा, अंडे को फ्यूज करेगा, तुरंत जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद पूरी की पूरी प्रक्रिया, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में 9 महीना और 10 दिन में एक बेबी यानी एक बच्चा पैदा होगा। 9 महीना 10 दिन में एक बच्चा पैदा होगा। अब ये बच्चा जो पैदा हुआ, ये पेरेंट्स, ये फादर और ये मदर, ये फादर ये मदर, अगर ये अडॉप्ट करते हैं, मतलब इनको तो पता ही है मेरा बच्चा है, ये अडॉप्ट करते हैं, मेरा बच्चा है, उसका लालन पालन करते हैं, तो ना ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। और देखो यार, एक इसमें कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है। देखो, फीमेल का तो हमेशा नेचुरलिटी क्लियर हो जाती है। कैसे क्लियर हो जाती है, भैया 9-9 महीने पेट में लेके घूम रहे हैं, तो किसको नहीं पता चलेगा यार कि बच्चा किसका है। ये तो क्लियर होता है, नेचुरल मदर का तो क्लियर होता है, और उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती इम्प्लांटेशन भी दूसरे एम्ब्रियो को नहीं करा देगा, इसको पता होता है कि हाँ बच्चा मेरा ही है। लेकिन इस फादर के केस में कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो इसी केस में समझ लो, जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल फीमेल की शादी एक दूसरे के साथ होती है, ये एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन क्या होता है, बीच में ये लड़कियां लोल होती हैं और बहुत जल्दी किसी के फंदे में आ जाती हैं, फ्रेम में आ जाती हैं। मान लो इसका दिमाग खिसक गया, ये साथ में रह रही है किसके, इस मेल के, लेकिन बीच में कोई लड़का आया, कोई मर्द आया, कोई मेल आया, अदर मेल, अदर देन दिस पर्सन, कोई अदर मेल आया और ये इसके ये फीमेल इसके फ्रेम में आ जाती है और इसके साथ इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब सेक्स इसके साथ करती है। और ये स्पर्म रिलीज करता है, मतलब सेम चीज़,
स्पर्म रिलीज करता है ये, और ये ओबम और इसका स्पर्म जाइगोट बना लेता है। बात समझ रहे हैं, इसका जो अदर पर्सन आया इसका स्पर्म और इसका ओबम जाइगोट बनाता है और 9 महीने 10 दिन के बाद एक बच्चा होता है। अब तो ये जो साथ में रह रहा था ये तो जान रहा है कि बच्चा हमारे है, हम ही से पैदा हुआ है। लेकिन यार बड़ी टेंशन की बात ये है कि अब ये जो बच्चा बना इसके स्पर्म से, तो इसके कॉन्सेप्ट में, इस बच्चे के कॉन्सेप्ट में, इन द केस ऑफ साइंस, क्या ये नेचुरल फादर कहलाएगा? नहीं यार, नेचुरल फादर नहीं, बल्कि इन द केस ऑफ साइंस ये फोस्टर फादर कहलाएगा। फोस्टर का मतलब होता है किसी दूसरे के बच्चे को लालन पालन करना, तो ये फोस्टर फादर का। लेकिन समाज के अकॉर्डिंग ये, इसके अकॉर्डिंग ये, इसके लिए नेचुरल है, मतलब बेबी इस बच्चे के कॉन्सेप्ट में, ये समाज के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग ये नेचुरल है, क्योंकि ये तो जान रहा है हमारा बच्चा है, बिचोंग पता नहीं कौन आकर ठोक दीस। तो भैया ये दिक्कत होती है, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, कभी दिक्कत कन्फ्यूजन दिक्कत, अब तो साइंस का ज़माना यार, DNA चेकअप हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए हो, अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं समझने के लिए फर्दर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बायोलॉजिकल पेरेंट्स बताने वाला हूँ। बायोलॉजिकल पेरेंट्स आखिर में होते क्या हैं? बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो होते हैं जो पेरेंट्स DNA एनालिसिस के आधार पर क्लियर किए जाएं कि ये जो बच्चा है, कोई बच्चा है, उसके माँ बाप वही हैं। मतलब DNA एनालिसिस के ज़रिए अगर कोई बाप का पता लगाया जाए, कोई कन्फ्यूज़न रहा हो, कोई कंट्राडिक्शन रहा हो कि नहीं मेरा बच्चा नहीं है, नहीं मेरी औलाद नहीं है, नहीं मेरा बेटा नहीं है, नहीं मेरा बाप नहीं है, तो उस कंडीशन में DNA एनालिसिस होती है, बच्चे का, माँ का, बाप का DNA चेकअप होता है और पता चल जाता है DNA मैच करा के कि ये बच्चा आखिर में ओरिजिनल में है किसका। और जो DNA के आधार पर एनालिसिस करने के बाद पता चलता है, उस टाइप ऑफ पेरेंट को बायोलॉजिकल पेरेंट कहते हैं, उस टाइप ऑफ मदर को बायोलॉजिकल मदर, उस टाइप ऑफ फादर को बायोलॉजिकल फादर, और उस टाइप ऑफ बच्चे को बायोलॉजिकल बेबी और बायोलॉजिकल चिल्ड्रन कहा जाता है, बायोलॉजिकल चाइल्ड कहा जाता है। मेरे दोस्तों देखो, बायोलॉजिकल मदर आखिर में होता क्या है? बायोलॉजिकल मदर, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ। जैसे कि मैंने एक अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि एक हॉस्पिटल में दो बच्चे पैदा हुए, मतलब दोनों दो औरतों से, मतलब एक फीमेल ये, मतलब दो औरतों से दो बच्चे पैदा हुए। अब नर्स इनको साफ़ करने में, दोनों बगल बगल में थी, साफ़ करने में और इधर उधर करने में, वो नर्स भूल गई, मतलब अकेली नर्स भूल गई, एक से लड़की हुई थी। अब ये नर्स भूल गई कि ये लड़का किसका है या लड़की किसकी है। अब वो कन्फ्यूज़न में आ गई, भैया पता नहीं किसकी है। ऐसे जैसे एक पता चला दोनों को, दोनों लड़े लागिन, बेटो हमारा। अरे यार, बेटोवन के चक्कर में पता नहीं क्या ये लोग बेटियों को पता नहीं कि ये लोग हकारत की नज़र से देखते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, फकत ये मालो जर दीवारों दर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी ना हो घर में तो कुछ अच्छा नहीं लगता यार, अगर बेटी ना हो घर में तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ये दोनों लड़े लागिन, ले झुटिया उबल ना कहले, हम तो डरात रहते, तो इंडिया है भैया, बहुत तेज हैं औरतें, मारपीट कर लेती हैं। ये कहती है हमार बेटवा, ये कहती है हमार बेटवा, ये कहती है हमार बेटवा। इतने में वो गई नर्स, दौड़ी दौड़ी डॉक्टर को बुला के लाई। डॉक्टर बोला, कहें तुम लोग लड़ रही हो, आएँ, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसकी औलाद कौन है। कहा कैसे करोगे? कहा बस शांत रहो, इस बच्चे का DNA, इस माँ का DNA, DNA एनालिसिस की, डॉक्टर ने एनालिसिस की, किसकी? DNA की, दोनों बच्चे की, दोनों माँ की, दोनों बच्चों की DNA एनालिसिस के बाद और दोनों माँ के DNA एनालिसिस के बाद जिस बच्चे का DNA जिस माँ से मैच किया, वो बच्चा उस माँ को दे दिया गया और कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, प्यार से वो केस सॉल्व हो गया। मेरे दोस्तों इसी आधार पर जो DNA एनालिसिस के ज़रिए पता चला कि ये लड़का किसका है या लड़की किसकी है, साइंस के टर्म में इसी को बायोलॉजिकल पेरेंट या बायोलॉजिकल मदर या बायोलॉजिकल
फादर कह देते हैं, मतलब बायोलॉजिकल मदर कह देते हैं। ये दोनों बायोलॉजिकल मदर हो गई और ये दोनों बायोलॉजिकल चाइल्ड या बायोलॉजिकल बेबी हो गए। अब देखो मैं दोस्तों आपको समझाने वाला हूँ बायोलॉजिकल फादर क्या होता है। बायोलॉजिकल फादर आपको मैं इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। देखिए उत्तराखंड में 3 मरतबा मिनिस्टर रह चुके हैं, कौन? नारायण दत्त तिवारी। देखिए ये बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझना चाहते हो फर्दर कुछ तो ले सकते हो, मतलब फिर से रिमेम्बर करने के लिए ले लिए हो तो मैं मिटाऊंगा इसे। देखो ये बायोलॉजिकल फादर ये नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी कौन थे? उत्तराखंड के मिनिस्टर थे। ये नारायण दत्त तिवारी एक युवती से, एक लड़की से, एक औरत से, नारायण दत्त तिवारी एक युवती से, एक औरत से सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब सेक्स कर बैठते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर बैठते हैं। ये जो 3 मरतबा मिनिस्टर रह चुके हैं, कहाँ के? उत्तराखंड के, और 1 मरतबा यूपी में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2005 से शायद 2007 तक ऐसे चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं नारायण दत्त तिवारी। तो इन्होंने एक औरत से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया था। अब ये औरत प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीना 10 दिन के बाद भैया वही हुआ जो होना चाहिए, एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम इस औरत ने शेखर रख दिया। क्या? शेखर रख दिया। इस माँ ने कभी बताया ही नहीं इस शेखर को कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में जिंदा है। हमेशा वो कहती थी कि तुम्हारा बाप मर गया, कुछ भी उल्टा सीधा कह के बहका दिया करती थी। जब भी पूछता मेरा बाप कहाँ है वगैरह वगैरह, अपने हिसाब से ये समझा दिया करती थी कि आपका बाप मर चुका है। लेकिन क्या हुआ, जब ये शेखर बड़ा हुआ इस माँ के साथ, ये शेखर बड़ा हुआ ना, जब शेखर बड़ा हुआ तो इसने LLB करने के लिए कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लिया। और जब LLB करने लगा, भैया वकील बन रहा है तो केस तो तगड़ा ठोकेगा ही, अब नारायण दत्त तिवारी का पसीना छुड़ा देगी बेटो। अब क्या होगा, ये शेखर को किसी तरीके से माँ बता देती है अचानक कि बेटा तुम्हारा बाप दुनिया में जिंदा है, और इस वक्त वो बहुत अमीर, बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। हो सकता है कभी आज तक इसने इसलिए ना बताया हो कि इसके दबाव से भाई बड़े आदमी हैं, उठवा देंगे, मार देंगे, बेटे को भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे। भाई देखो मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है डर हो, डर से ना बता रही हो, नहीं तो कहो कि आरोप लगा दिया किसी के ऊपर। मैं आरोप क्यों लगाऊंगा यार, जो किए हो वो किए हो, आप देख सकते हैं हकीकत बात है ये। तो ये शेखर जो था जब LLB करने लगा तो इसको पता चला मेरा बाप जिंदा है उत्तराखंड का, तो इसी ने उठा के केस कर दिया। ये मेरे बाप है, कौन? नारायण दत्त तिवारी। इसने केस ठोक दिया, लो जाओ। इसने जब केस ठोका नारायण दत्त तिवारी भैया, नारायण दत्त तिवारी का DNA चेकअप हुआ, इस बच्चे का DNA चेकअप हुआ, दोनों का मैच कर गया। अब जब मैच कर गया तो बचाएगा कौन? भाई ये कानून है, बच्चा जिसका है वो भाई लेना ही पड़ेगा, है तो इसका अधिकार है इनकी प्रॉपर्टी में। भाई इतना बड़ा आदमी है, कौन सुकून की ज़िंदगी नहीं चाहता यार। भैया ठोक दिया केस और साबित हो गया ये शेखर इन्हीं का लड़का है। और इन्होंने अडॉप्ट किया था भाई पब्लिकली, पब्लिक के सामने इन्होंने अडॉप्ट किया, नहीं ये मेरा बच्चा है। भाई मजबूर हो गए, कोई कुछ कर भी तो नहीं सकते, भाई DNA चेकअप हो गया, मैच कर गया। तो इस कॉन्सेप्ट में ये जो नारायण दत्त तिवारी थे, ये नारायण दत्त तिवारी बायोलॉजिकल फादर हुए। मतलब यहाँ पे DNA चेकअप करके पता लगाया गया माँ कौन सी है, मतलब DNA के आधार पर, DNA एनालिसिस के जरिए जिस माँ बाप का पता लगाया जाए वो माँ बाप बायोलॉजिकल मदर, बायोलॉजिकल फादर होते हैं, और बच्चा बायोलॉजिकल चाइल्ड और बायोलॉजिकल बेबी होता है, बायोलॉजिकल यंग वंश होता है। अब आइए हम आपको पढ़ाते हैं फोस्टर पेरेंट्स। अब आपको हम पढ़ाते हैं फोस्टर पेरेंट्स। जल्दी मिटाने के लिए यार मैं वीडियो बंद नहीं करना चाहता हूँ, मैं लगातार बनना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं। फोस्टर पेरेंट्स में एक फोस्टर मदर होगी, एक फोस्टर फादर होगा। आइए सबसे पहले हम समझते हैं फोस्टर मदर क्या होती है। शाहरुख खान को तो आप जानते ही होंगे, शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान हमारे देश में एक हीरो हैं, एक पॉपुलर व्यक्ति हैं, कौन नहीं जानता। तो इनको 2 बच्चे थे, मतलब एक लड़का एक लड़की थी, एक लड़का एक लड़की शाहरुख खान को थी। इन्होंने चाहा मुझको मेरे पास एक औलाद और हो, लेकिन अचानक इनकी जो बीबी थी, इनकी जो औरत थी, उसकी फैलोपियन ट्यूब, मतलब यूटेरस में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, यूटेरस में
यूटेरस में कोई प्रॉब्लम आ गई थी जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जब जायगोट बन जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो बच्चा जहाँ पे इम्प्लांट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जहाँ पे जाके बच्चा अटैच होता है 9 महीने तक जहाँ रहता है, वो चीज़ इनकी डैमेज हो चुकी थी। किसकी? शाहरुख खान के औरत की, शाहरुख खान के बीबी की। और शाहरुख खान चाहते थे मेरे पास एक औलाद और हो, तो फिर करते तो क्या ना करते। देखो, इस कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। कैसे? जब कोई औरत वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर सकती, उसका यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है, डैमेज है, या निकाल दिया गया है काट के किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन में किसी दूसरे माँ के यूटेरस में जायगोट को इम्प्लांट करवाया जाता है। किसके थ्रू? वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVT। IVT के अंतर्गत टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, यानी इस कंडीशन में शाहरुख खान का स्पर्म लिया गया और इनकी बीबी का ओबम एग लिया गया। लेने के बाद क्या किया गया कि स्पर्म और ओबम को लेकर, शाहरुख खान का स्पर्म, उनकी बीबी का ओबम लेने के बाद लैब में फर्टिलाइजेशन करवा दिया गया। किसमें? लैब में फर्टिलाइजेशन करवा दिया गया, मतलब इन फेवरेबल कंडीशन में लैब में ये ओबम को, स्पर्म को फर्टिलाइज करवा दिया गया। अब फर्टिलाइज करवाने के बाद ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एक मास लाइक स्ट्रक्चर, यानी ब्लास्टुला और मॉरुला वगैरह वगैरह जो होता है, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट, यानी यही ब्लास्टोसिस्ट जब फैलोपियन ट्यूब में बन जाता है, तब वही ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस में इम्प्लांट होता है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में अटैच हो जाता है और 9 महीने तक वहाँ रहता है, और वो 9 महीने के बाद मतलब बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है। लेकिन ये पूरा बच्चा यहाँ डेवलप हो नहीं सकता इस टेस्ट ट्यूब में, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, शाहरुख खान ने अपनी साली से पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे को अपने पेट में, मतलब अपने यूटेरस में इम्प्लांट करवाना चाहोगी, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा एक बच्चा और हो जाए, अगर आप मदद करेंगी तो मैं अपना एक बच्चा और चाहता हूँ। तो उनकी साली जो थी तैयार हो गई, तो इनका ओबम इनका स्पर्म लेके फर्टिलाइज करवाया गया। फर्टिलाइज करवाने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जो उनकी सिस्टर इन ला, मतलब शाहरुख खान की साली, उनके यूटेरस में उस बच्चे को इम्प्लांट करवा दिया गया, और 9 महीने के बाद वही हुआ जो होता है, एक बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चे को बहुत प्यार से शाहरुख खान अपने पास रखते हैं। अब कहा जाए कि ये बच्चा क्या होगा, मतलब ये बच्चा क्या होगा, क्या ये बच्चा अपने खाला की तरह मिलेगा, इसकी शक्ल मिलेगी, क्या ये औलाद इस औरत की होगी, इनके सिस्टर इन लॉ की होगी? नहीं यार, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं, एक तेज़ तूफान आए, आपका छप्पर उड़ जाए, और आप अपने घर का सामान किसी दूसरे के घर में रख दो। जब यार दूसरे के घर में अपना सामान रखोगे, तो क्या दूसरे के घर में सामान रखने की वजह से वो सामान जिसके घर में रखे हो, क्या उसका हो जाएगा? तो जवाब मिलेगा नहीं, सामान आपका रहेगा। आपने उसके घर में इसलिए रखा है क्योंकि आपका घर उजड़ गया है, और जब बनवा लेंगे उठा लेंगे। इसी तरीके से इस बेचारी की, शाहरुख खान की बीबी की, औरत की यूटेरस में तूफान आ गया था, मतलब तूफान में उड़ गया था यूटेरस, वह मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई थी यार, मजाक नहीं, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए। तो यूटेरस में प्रॉब्लम आ गई, तो ये अपना सामान, मतलब ओबम स्पर्म, किसी दूसरे के अंदर रख देंगे तो क्या उसका हो जाएगा? नहीं यार, ये बायोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी बच्चा इससे मैच करेगा, मतलब इसका जीन जो है इनके सिस्टर इन लॉ से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिनल में ओबम और स्पर्म शाहरुख खान और उनकी पत्नी का है। तो इस कंडीशन में ये जो सिस्टर इन लॉ हैं किसकी? शाहरुख खान की। ये फोस्टर मदर कहलाएंगी, क्योंकि इन्होंने अपने पेट में दूसरे के बच्चे को रखा। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ और होता है, जैसे किसी के पास बच्चा नहीं है,
किसी के पास लड़का नहीं है, बेटा नहीं, बेटी कुछ नहीं है, तो वो गोद लिया करते हैं, मतलब दूसरे के बच्चे को पालते हैं। तो उस कंडीशन में भी अगर कोई लड़का है, मर्द है, तो वो फोस्टर फादर कहलाएगा, और कोई औरत है तो वो फोस्टर मदर कहलाएगी। यानी ये हो गया तीन टाइप का पेरेंट, नेचुरल पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, फोस्टर पेरेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।